आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के एक नए नोटिस, अनुदेशक भर्ती 2016, लेखपाल भर्ती और जेई 2016 और 18 के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं एक नई नोटिस से। तो जब भी आप यूपी ट्रिपल एससी के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड यहाँ पे दिखता है। जब आप वहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो जो भी नोटिस लेटेस्ट होती है वो आपको पहले दिखती है। आज है 11 नवंबर और आप देखेंगे तो 11 नवंबर के दिन एक नई नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नोटिस 11 नवंबर को जारी की गई है और यहाँ पे कुल मिलाकर लगभग 800 पदों के लिए ये भर्ती थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो भर्तियाँ हैं, एक आई थी जिसका विज्ञापन संख्या है 20/7/2015 और एक है 16/4/2016। यहाँ पे जो 2015 की भर्ती है इसमें 559 पद हैं, 2016 वाली भर्ती में 293 पद हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस दोनों पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब यहाँ पे उस समय क्या था कि ये अनुदेशक की भर्ती है जो कि लखनऊ के प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग में इनकी नियुक्ति होनी है। यहाँ पे उस समय इसमें इंटरव्यू की बात की गई थी, लेकिन 2017 में एक अपडेट किया गया कि अब इंटरव्यू नहीं होगा इस तरह के भर्तियों में, तो उसी को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है और अब एक आपको नया नोटिस मिलेगा, यानी कि आप इसको अब विज्ञापन भी कह सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे जो इंटरव्यू था उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि तदनुक्रम में शासनादेश 13/16/27 का 3/2021 दिनांक 3 नवंबर 2021 के द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदेशक के पदों की स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या जो 2016 वाली है इसमें भी सेम उसी तरह जो इंटरव्यू है वहाँ पे लिखित परीक्षा को आधार बनाते हुए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये भर्तियाँ थी इसमें पहले इंटरव्यू होना था, अब इंटरव्यू नहीं होगा। जो इसका पुराना सिलेबस था आप उसको भूल जाइए, अब आपको इस नए सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर अधिकतम अंक 100 होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट और माइनस मार्किंग 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 सही के बराबर मार्क काट लिए जाएंगे। यहाँ पे जो विषयगत ज्ञान है ये 60 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का। सामान्य ज्ञान है 40 क्वेश्चन का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का। यहाँ पे जो विषय वाला है मतलब कि रोजगार कौशल वाला है इसमें आप देख लीजिए तो 5 नंबर की इंग्लिश होगी। इंग्लिश में आप देख सकते हैं विराम चिन्ह, एकल बहुवचन, काल परिवर्तन। 20 नंबर का होगा सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, यानी कि आप देख सकते हैं सारा कंप्यूटर से, कंप्यूटर में सामान्य जानकारी, हार्डवेयर। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ आपको इनमें से कई सारी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो यह है पूरा कंप्यूटर 20 नंबर का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्यावरण शिक्षा है 10 नंबर का, जिसमें व्यवसाय जनित जोखिम और प्राथमिक चिकित्सा पर्यावरण मुद्दे। इसके अलावा 20 नंबर का है श्रम कल्याण कानून। इसके अलावा 5 नंबर का है गुणवत्ता प्रबंधन। और नीचे आप जाएंगे तो ये 60 नंबर तो पूरे हो गए। जो 40 नंबर का है ये होगा सामान्य ज्ञान। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिटी भी पूछा गया है, इतिहास भी पूछा गया है, अर्थव्यवस्था भी पूछा गया है, इसके अलावा फिजिक्स के अलावा रसायन, उसके बाद बायो पूछा गया है, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, सामान्य जागरूकता और इसके अलावा प्रदेश से संबंधित ज्ञान, मतलब कि यूपी स्पेशल। तो ये है एक पूरा सिलेबस, पूरा डिटेल में सिलेबस जारी किया गया है, जैसा आपको पीईटी में सिलेबस मिला था सेम उसी तरह का। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित है तो आप इस नोटिस पे जरूर गौर करें। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की और भर्तियों के बारे में, जैसे कि जेई के बारे में, जेई जो 2016 और 18 की है। तो देखिए जेई वाले के लिए आपको पता होगा कि इसमें ईडब्ल्यूएस का आवेदन चल रहा है और 22 नवंबर के बाद, 22 नवंबर तक इसका अंतिम डेट है। यहाँ पे चांसेस ये थे कि जो जेई का वाला एग्जाम है ये दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये अनुदेशक वाला अपडेट आया है इसके मुताबिक अब जेई या फिर अनुदेशक
दोनों में से हो सके कि आपको एक ही परीक्षा देखने को मिले। हालांकि अधिकतर चांसेस हैं कि जेई वाला जो एग्जाम है आपको दिसंबर में होता हुआ दिखाई देगा। अब जेई में बात करें कि 2016 पहले होगा कि 2018 पहले होगा, तो अगर आप नोटिस बोर्ड में जो इनका पुराना वाला एग्जाम कैलेंडर है उसको देखेंगे तो उसमें 18 को ही पहले बताया गया था। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत चेंज भी हुआ है, यहाँ देखिए 2018 वाले को पहले कहा गया था, तो अगर हो सकता है कि 2018 के बजाय 16 वाला भी हो जाए, लेकिन कुछ भी होगा तो ये 22 नवंबर के बाद ही होगा क्योंकि 22 नवंबर तक इसमें EWS का आवेदन चल रहा है। अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल के भर्ती में वही CCC और मंडल वाली प्रॉब्लम चल रही है। चांसेस ये हैं कि लेखपाल की भर्ती भी 20 नवंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है ये चुनाव से पहले होना मुश्किल होगा, क्योंकि अब कई सारे भर्तियों के एग्ज़ाम पेंडिंग हो चुके हैं, जैसे कि अनुदेशक वाला का एग्ज़ाम हो जाएगा क्योंकि इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, और इसके अलावा जो इसकी पहली भर्ती है PET के आधार पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का परीक्षा भी आपको जनवरी तक होता हुआ दिखाई देगा। तो चांसेस ये हैं कि अगर लेखपाल में थोड़ी बहुत देरी होती है तो लेखपाल का पेपर आपके मार्च के महीने में हो सकता है चुनाव के बाद। तो फिलहाल यही है कुछ अपडेट, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।